वहीं अगली खबर की बात करें तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। लालू ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया कि मोदी जी कौन सा लोकतंत्र गढ़ रहे हो, लोकराज से लोकराज चलता है, लोकतंत्र में लोक शर्म को दरकिनार नहीं कर सकते। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी लालू यादव केंद्र सरकार पर बरसे। लालू ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए एक राज्य के मुखिया को गिरफ्तार किया जा रहा है, वो भी पीड़ितों से मिलने के कारण। साथ ही आपको बता दें कि लालू ने कहा कि 2.5 साल में इस सरकार की इतनी पतली हालत होगी, खुद उन्होंने दुर्दांत सपने में भी नहीं सोचा होगा। लालू ने आगे लिखा है कि एडलाइंस और मार्केटिंग सरकार की ऐसी दुर्दशा होना लाजमी है। तो ये आपको बता दें ट्विटर के जरिए लालू प्रसाद यादव का केंद्र पर निशाना।